आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज आपके एमएसटी सीटी के परसेंटाइल मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद कमेंट करना है। चाहे कितने भी कम परसेंटाइल आया ना, प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, हम डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे। चलिए प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, उसके बाद ही कमेंट करना, ओके। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक डाल दी मैंने, ओके। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले रिगार्डिंग योर रजिस्ट्रेशन डेट, रजिस्ट्रेशन टाइम, ठीक है, कि कितने बजे सीटी सेल आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेगी, ठीक है। कुछ सीटी सेल से बात हुई, कुछ डिस्कशन हुआ, उसके बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ताकि मैं ऐसी अपडेट आपको सबसे पहले देता रहूं, ठीक है। सारी इंफॉर्मेटिव चीजें, जैसे कि आपका मैनेजमेंट राउंड क्या होता है, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड क्या होता है, स्पॉट राउंड क्या होता है, कैप राउंड्स में क्या क्या करना होता है, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखना। डिस्क्रिप्शन में काउंसलिंग फॉर्म डाला है, जल्द से जल्द आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको महाराष्ट्र की नंबर वन कॉलेज लिस्ट मिलेगी। वो ऐसी कॉलेज लिस्ट होगी, वो आपकी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग होगी, कि आपके कितने परसेंटाइल आए, आपके 10 आए, 15 आए, 20 आए, 90 आए, 99 आए, जितने भी आपके परसेंटाइल आए हैं, जो आपकी कैटेगरी है, ओपन है, एससी है, एसटी, एनटी है, जो भी आपकी कैटेगरी है, जिस सिटी में आपको चाहिए, जिस ब्रांच में चाहिए, इंजीनियरिंग में चाहिए, फार्मेसी में चाहिए, सारी चीज़ों को अकोमोलेट करके, सारी चीज़ों का डेटा एनालिसिस करके, उसके बाद आपकी एक कॉलेज लिस्ट बनेगी। एक कॉलेज लिस्ट के ऊपर 6 से 7 घंटे लगते हैं, ओके। और वो कॉलेज लिस्ट आपको काउंसलर बना के देंगे, वही कॉलेज लिस्ट आपको कैप राउंड में सबमिट करनी है। उस कॉलेज लिस्ट में हम आपको कुछ गाइडलाइंस भी देंगे कि पहले कौन से कॉलेजेस डालने, फिर कौन से डालने, फिर कौन से डालने, ठीक है। वो गाइडलाइंस को आपको फॉलो करते हुए कॉलेज आपको डालने है, और वही कॉलेज लिस्ट अगर आप डालोगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको एक बेस्ट कॉलेज मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर से बहुत सारे बच्चे थे जिनके बहुत कम परसेंटाइल थे, फिर भी आज महाराष्ट्र के एक अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 20 परसेंटाइल वाला बच्चा सीओईपी में चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 20 परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जो महाराष्ट्र में 10 कॉलेजेस है ना, 10 में से टॉप 1 में पढ़ रहा है, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे थे जिनके बहुत अच्छे परसेंटाइल थे, फिर भी आज वो घटिया कॉलेजेस में, क्योंकि कॉलेज लिस्ट अच्छे से नहीं बनाई, प्रेफरेंस अच्छे से नहीं लगाना है, क्योंकि एक भी मिस्टेक आपकी बहुत बड़ी आपको कॉस्ट देनी पड़ सकती है एक मिस्टेक के लिए, ठीक है। तो वो गलती आपको नहीं करनी है, वही काउंसलर है जिन्होंने सीओपी विजिट या वालचंद पीएसएट वीआईटी केजेस में कॉलेजेस में न्यूटन एडुकेटर्स के लास्ट 4 साल से बच्चे भेज रहे। कुछ भी डाउट है उनसे पूछ लेना, ठीक है, वो आपके लिए बैठे, छोटे से छोटा डाउट है ना उनसे पूछ लेना, आपके लिए एक काउंसलर अलॉट किया जाएगा, ओके। सो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर। बात करते हैं आपके रजिस्ट्रेशन डेट की, ठीक है। तो 2 दिन से मैं भी वेट कर रहा था यार, 15 को मैंने वेट किया, 16 को वेट किया, ठीक है, क्योंकि मुझे अप्रॉक्सीमेट डेट्स वो बताई गई थी, ठीक है। लेकिन 16 के शाम में मुझे लगा कि अभी बात करनी चाहिए सीटी सेल से, क्योंकि अभी जो उन्होंने एस्टिमेटेड टाइम दिया था न्यूज़ में आ रहा था हमें, ठीक है, हम भी तो उसी भरोसे चलते हैं कि नहीं, तो हमें उसकी का अकॉर्डिंग हमने 15 को पूरी दिन वेट किया, 16 को पूरी दिन वेट किया, तो भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। हम पीसी पे बैठे थे, ओके, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि पीसी पे इसीलिए बैठे थे क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक बार स्टार्ट हो गया तो आपकी साइट जाम होने लग जाती है, सर्वर डाउन होने लग जाता है, तो इसलिए हमने जल्द से जल्द करना था। तो उनसे बात की, उनसे बात में क्या समझा वो सुनिए अभी, ठीक है। तो उन्होंने बोला अभी हम पहले आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं सेंड करेंगे, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन लिंक नहीं आएगी सर आपको, ठीक है। ये प्रोसेस मुझे भी नहीं पता थी, ठीक है, लास्ट ईयर ये प्रोसेस कैरी आउट हुई थी, लेकिन इस साल भी ऐसा ही होगा कि इस बात की हमें कोई गारंटी नहीं है कि नहीं। तो उन्होंने कुछ प्रोसेस मुझे समझाई, तो उन्होंने बोला कि सर पहले आपको शेड्यूल आएगा कि कैप राउंड कितने दिन होने वाले, कितने दिन का कौन सा कैप राउंड चलेगा, उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब आएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी, ये सारी चीज़ों के बारे में पहले सोचा जाएगा, उसका पहले शेड्यूल आएगा आपको। सपोज आज शेड्यूल आया, उसके नेक्स्ट डे या फिर उस डे के 3-4 घंटे बाद आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले आपका शेड्यूल आएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, ओके। और मैंने पूछा फिर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया तो फिर शेड्यूल भी आप भेज दोगे, उसके बाद बच्चों के लिए टाइम तो मिलना चाहिए। वो बोले कि एटलीस्ट मिनिमम हम ट्राई करेंगे कि 8 दिन का टाइम हो हर स्टेप में, मतलब आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको 8 दिन का टाइम मिलेगा, सफिशियंट टाइम मिलेगा। तो मैंने बोला कि इतना डिले क्यों हो रहा है, अगर प्रेडिक्टेड डेट टेंटेटिव डेट हमें बताई गई थी तो डिले क्यों हो रहा है इतना। तो वो बोले हम नहीं चाहते इस बार, क्योंकि लास्ट 3-4 सालों से साइट क्रैश हो रही है, ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है साइट में बहुत दिक्कतें आती हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम एक वेल प्रूफ्ड साइट हम डिज़ाइन करें, ठीक है, जिसमें कोई एरर्स ना हो, जिसमें कोई सर्वर इश्यूज ना हो, सर्वर डाउन ना हो, ठीक है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, लेकिन हम आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले डिटेल गाइडलाइंस देंगे, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो एफी करके वेबसाइट है ना, उसमें सारी डिटेल्स रहेगी। पहले आपको शेड्यूल आएगा, कैप राउंड कितने दिन चलने वाला है, आपका क्या प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या क्या आने वाली है चीज़ें, सारी गाइडलाइंस आपको एक पूरा फ्लो चार्ट वो देने वाले हैं, उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये उन्होंने बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन मुझे दी और मुझे लगा कि ये आपके साथ शेयर होनी चाहिए। एट द एंड मैंने, मेरे से रहा नहीं जा रहा था, तो इसलिए मैंने बार बार पूछा कि आप 22 टाइम बता दो, ताकि मैं स्टूडेंट को एक
बता सकूँ। ठीक है, मैंने निकलवाने की कोशिश की, तो वो बोले टेंटेटिवली आपका 1 से 2 दिन के अंदर हम रिलीज करने की कोशिश करेंगे, और मोस्ट ऑफ टाइम हमारा इवनिंग में ही होगा। ठीक है, तो 17 या 18 तारीख में आपका रिलीज हो जाएगा, इवनिंग के टाइम पे मोस्ट ऑफ चांसेस होते हैं। ओके, तो ये उन्होंने एक हिंट दी चीज़ों की। ओके, और आपको ये चीज़ पकड़ के चलनी है। ठीक है, जो अपडेट थी उनकी तरफ से आई वो मेरे को आपको सुनानी थी। एक बात याद रखना, अगर आपकी कम भी परसेंटेज आ गए ना यार, ठीक है, अभी जो बाकी जंग बची है ना आपकी, उसको मत हारना, उसको जीतना है आपको। मैं गारंटी देता हूँ अच्छे कॉलेज में जाओगे, एक कॉलेज लिस्ट अच्छे से बनाओ। मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे से ही बनवा लो, कोई आपके बड़े भाई होंगे, बड़ी बहन होंगी, उनको 350-400 कॉलेजेस की जिनको आइडिया होंगी, ठीक है, हर एक कॉलेज का कट ऑफ्स की आइडिया होंगी, उनसे बनवा लो, या फिर कोई और काउंसलर दे रहा है उनसे बनवा लो। ठीक है, लेकिन कॉलेज लिस्ट जरूर बना लेना। ठीक है, और कोई काउंसलर को 1000 रुपये से ऊपर पे मत करना। मुझे पता है यहाँ पे जितने बच्चे देखने वाले हैं उसमें 90% स्टूडेंट एक लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए 1000 रुपये भी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, तो ट्राई करना जहाँ पे सबसे सस्ते में मिल रहा है वहाँ से लिस्ट बनवा लेना। ओके, नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाली है, काउंसलर्स आपके लिए बैठे हैं जिनको 4 साल से एक्सपीरियंस है, वो आपके लिए बैठे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ लिस्ट बनवा लेना। ओके, और हिम्मत मत हारना लास्ट मोमेंट पे। ओके, अभी सब 50% काम हुआ है, 50% काम अभी भी बाकी है। कुछ भी डाउट है ना आपको, मुझे कॉल कर लेना या व्हाट्सएप कर लेना, अगर मैं नहीं रिस्पॉन्ड कर पाऊँ, क्योंकि कंटिन्यूस कॉल आ रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ सारे को। ठीक है, जिनको जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उनको ऑलरेडी काउंसलर अलॉट हो चुकी है। ठीक है, जिनकी मेल आईडी वगैरह आपको आ चुकी होगी, ठीक है, उनसे बात करनी है तो काउंसलर को बोलो आपका नंबर भेजो, हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप बात भी कर सकते हो। ठीक है, और जिन बच्चों ने काउंसलिंग नहीं ली वो मैम को इंस्टाग्राम पे डाउट पूछ लो, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लो, मैं जवाब दे दूंगा, या फिर कॉल कर लेना। ओके, लेकिन आपके डाउट्स क्लियर कर लेना, जो भी छोटी से छोटी डाउट है ना आपको। ठीक है, और मैं कॉलेज लिस्ट की स्पेशलिटी बताऊँ आपको, उस कॉलेज लिस्ट में आपके नंबर टॉप जो 20% वाला है ना, उसको भी टॉप 5 जो कॉलेजेस होंगे ना वो हम ड्रीम कॉलेजेस डालेंगे, COEP वाला वगैरह डाल देंगे, क्योंकि हमें पता है वो मिलने नहीं वाले, लेकिन डाल के रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद की जो लिस्ट होगी ना वो इफिशियंट लिस्ट होगी, जो 20-25 कॉलेज जो हम देंगे ना 20-25-30% के अकॉर्डिंग, वो लिस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आपको फिर से बोलेंगे कि आपको जो मर्जी में है ना कॉलेजेस, जो आपको ड्रीम कॉलेजेस है वो भी डाल दो। ठीक है, लेकिन जो बीच में हमारी लिस्ट रहेगी ना, मैं गारंटी देता हूँ उससे इफेक्टिव होगा चीज़ें, क्योंकि देखा है ना 4 सालों से। खैर, आपका वो डिसीजन है एट द एंड फाइनल, आपको जैसे करना है, लेकिन गाइडेंस ले लेना है एक अच्छे इंसान का जिन्होंने कॉलेज लिस्ट बनाया है। ठीक है, प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। तब तक के लिए बाय बाय।